अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जीते, हेलो जीते, आज तो सच में फरिश्ता बनकर आया। आवाज़ जैसे मदद मांग रही थी और तेरा कॉल आ गया। क्या है हीर जी, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? वो मैंने तो सिमरत का हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। नहीं जीते, सिमरत की तबीयत तो पहले से बेहतर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिससे तू ही मुझे बाहर निकाल सकता है। हाँ जी, दसो जी। वो क्या है ना जीते, तेजी दीदी की मम्मी जी को मैंने तड़का लगाने से मना कर दिया, क्योंकि तड़का लगाने से सिमरत की तबीयत और खराब हो जाएगी। लेकिन उन्होंने फिर गुस्से में आके मुझे चैलेंज किया कि आज सात्विक खाना मैं बनाऊंगी, वो भी कोई मेरी मदद नहीं करेगा। जीते, तुझे तो पता है ना, मुझे खाने बनाने का के भी नहीं आता है। खिचड़ी बनाने का फैसला तो कर लिया मैंने, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं कि ये मसाले कौन से हैं। ओ हीर जी, कोई गल नहीं है जी, वो मैं बनाना सिखाऊंगा आपको खिचड़ी। नहीं 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 जीते, आंटी जी ने तो तेजी दीदी को भी मेरी मदद करने से सख्त मना किया है। ओ हीर जी, तेजी दीदी को मना किया ना जी, वो मेरे को तो नहीं, वो मैं तो आपकी मदद कर ही सकता हूँ। ठीक है जीते, मैं फोन स्पीकर पर रखती हूँ और तुम मुझे स्टेप बाय स्टेप बता कि सात्विक खिचड़ी कैसे बनाते हैं। खिचड़ी ऐसा गरीबों वाला खाना ना मैंने कभी खाया है और ना खाऊंगी, और वैसे भी भूख प्यास बहुत लंबे अरसे के लिए बंद हो गई है। कुलदीप अपने लाल सब कुछ ले गया, किस्मत से धोखे खा लिए हैं और खून दे कूद पी रहे हैं। पेट भर गया, भर गया पेट। जीते, मूंग की दाल कौन सी वाली होती है? यहाँ पे तो बहुत सारी दाल है। ओ जी, पीले रंग वाली। लेकिन पीले रंग की दो दाल है, बड़ी वाली या छोटी वाली? ओ जी, छोटी वाली जी। अच्छा, लेकिन अगर चार पांच लोगों के लिए बनाना है तो कितना डालूं? तो दो कटोरियां मूंग की दाल और उसके आधे हिस्से के चावल। आधा हिस्सा क्यों? ओ हीर जी, खिचड़ी में तभी तो स्वाद आएगा। ठीक है, अब इसे कुकर में डाल दो और जो मसाले मैंने आपको बताए हैं वो भी इसमें डाल दीजिए। अब हीर जी, उस खास सामग्री की बारी। खास सामग्री? वो क्या? अब कुकर को लॉक करके उसे छोड़ दीजिए। वही तो नहीं समझ में आ रहा है जीते, कुकर को बंद करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। ओ हीर जी, बड़ा ही आसान है। वो कुकर के ढक्कन को ना टेढ़ा करके अंदर डालिए और उसके बाद उसे सीधा करके ऐसे घुमा दीजिए, वो कड़क करके ना एक आवाज आएगी, तो इसका मतलब कुकर बंद हो गया जी। हो गया, वक्त ने आकर हीर जी को बदल ही दिया। पहले जो पूरा परिवार हीर जी के लिए खाना बनाता था, आज वो खुद अपने हाथों से अपने नए परिवार के लिए खाना बना रहे। थैंक यू पापा जी। हीर, जरा इधर आना। जी दीदी, बस आ रही हूँ। थैंक यू जीते, अब मुझे जाना होगा। ओ हीर जी, कुकर की दो तीन सीटियों के बाद उसे बंद कर देना। ओके। दो सीटियां हो गई, अब तीसरे के लिए वेट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अंदर रख देती हूँ। तीसरी सीटी भी हो गई। खिचड़ी का असली स्वाद देसी घी से आता है, देसी घी खाने से सबकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी।
रज्जू देख, ये तेरा घर है, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं यहाँ, नहीं तो मैं इस लड़की को ना 2 दिन में बाहर कर देती। इससे पहले कि ये हमारा सुख चैन सब छीन ले, तुझे कुछ करना पड़ेगा। उस कुड़ी को मम्मी जी, मम्मी जी रुक जा। किसकी इजाजत से जिस कमरे के अंदर आई है? जा यहां से बाहर। मम्मी जी, मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरे सामने थोड़ा सा खाना खा लीजिए, खास आप ही के लिए बनाया मैंने। क्या लगता है तुझे, तेरे हाथ का बनाया हुआ एक भी निवाला मैं अपने गले के नीचे उतारूंगी? और हाँ, लाई भी क्या है तू, खिचड़ी अटवाल मेंशन है ये, यहाँ पे ये गरीबों वाले खाने कोई नहीं खाता। पहले ही पता था कि अटवालों की शानो शौकत के लायक नहीं है तू, इस तरह से अपनी गरीबी जाहिर करने की जरूरत नहीं है कुड़िया तुझे। ये जो खिचड़ी बना के लाई है ना, दे दे नौकरों को, कुत्तों को डाल देंगे। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो अभी तक बोल के ऊपर का कवर हटाया भी नहीं, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं खिचड़ी बना के लाई हूँ? और रही बात तौर तरीकों की, मैं धीरे धीरे सीख लूंगी, लेकिन अभी सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि आप थोड़ा खाना खा लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हीर बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी, आप थोड़ा सा खाना खा लीजिए वरना तबीयत। जी क्यों जबरदस्ती कर रही है तुम, और ऐसा इस खाने में है भी क्या जो रज्जू को खाना है? तुझे इतने सालों में पता है ना कि रज्जू को कैसा खाना पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ बनवा दूंगी अच्छा सा। और लड़की तू, तुझे बड़ा शौक है सबको खाना बनाकर खिलाने का, रसोई का पहला रिवाज भी भूल गई। अरे कुछ मीठा बनाकर लाती, लाई भी तो क्या ये बीमारों वाली खिचड़ी। हाय रज्जू, हमने कुलदीप के लिए कितने सपने देखे थे, किसी बड़े घराने की लड़की से शादी करेंगे खूब धूमधाम से, पर हमारी तो किस्मत ही फूटी है तो क्या कर सकते हैं। और हाँ तेजी, इस ब्याह को कराने में कहीं ना कहीं तेरा भी हाथ था ना? मम्मा सच में अगर इस ब्याह को कराने में मेरा हाथ था ना, तो मुझे बहुत खुशी है कि हीर जैसी नेक दिल लड़की इस परिवार में आई, मगर अफसोस इस बात का है कि जो आदर सत्कार रिस्पेक्ट एक नई बहू को मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही है। दीदी, मम्मी जी दोने वाले खा लीजिए प्लीज। और नहीं खाना ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।